हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुरुकुल। आज हमारी है वीक, मतलब विनीत सर की क्लास, तो अभी अटेंड करते हैं चल के। अभी मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ सेक्टर 2, तो सिंहद्वार चलते हैं। तो अभी मैं सिंहद्वार पहुँच चुका हूँ, लेकिन आज मैं बस से नहीं जा रहा, टाइम है मेरे पास। तो अभी मैं जाऊँगा पैदल इस वाले रोड से। जब टाइम है, क्यों 10 रुपये बर्बाद करने, 10 रुपये के समोसे खा सकते हो। तो अभी चलते हैं। तो अभी आपको बता दूं, सर का वेट कर रहे हैं। सर अभी तक नहीं आए, पहले पहुंच गए सर से। 10:05 हो गई, सही टाइम से पहुंच गया, वैसे लेट नहीं हुआ। 10 रुपये और बच गए। पैदल आया मैं, मैंने कहा 10 रुपये नहीं खर्च करने, आज टाइम था ना। अरे 2.5 किलोमीटर तो है। तो अभी 10:30 हो चुके हैं, लेकिन सर नहीं आए। तो हम पता करने जा रहे हैं सर के चेंबर में कि आएंगे या नहीं। तो अभी सर आ चुके हैं, प्रैक्टिकल बुक में पता नहीं। तो अभी हमारी चल रही है प्रैक्टिकल क्लास, वो तो ख़त्म हो चुकी, थ्योरी वाली क्लास। तो सर ने अभी हमें बोला है ये फंगल स्टेनिंग करनी है। ये देखो, ये प्लेट्स हैं, ये जो काली काली दिख रही है, ये है फंगस। तो अभी हम इसकी स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद स्टेनिंग करने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी हमें यहाँ से लेने आ गए माइक्रोस्कोप, स्लाइड और जो कुछ सामान है। सर से मांगते हैं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है सामने। ये देखो, हमारी लैब खाली हो चुकी है पूरी। ये पहले भरी थी लैब, अब यहाँ से सब कुछ हटा दिया है, पता नहीं इससे क्या बनाएंगे अब। और ये अजीत और हरीश, ये भी सामान ढूंढ रहे हैं, यहाँ कोई है ही नहीं। कोई है यहाँ? कोई नहीं है, चलते हैं। ये ले लेते हैं, ये काम आएगा। ये तो है, लेकिन ये है वहाँ। तो अभी आपको बता दूँ, हमें सामान मिला नहीं था जो हम ढूंढ रहे थे, माइक्रोस्कोप वगैरह, तो इसलिए हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। सर को बता दिया, अब हम जा रहे हैं घर। तो अजीत भाई अपने रूम पे जाएंगे, मैं भी फिर चलता हूँ। तो अभी आपको बता दूँ, हमारा प्लान बन गया, अचानक हम जा रहे हैं यहाँ श्री प्रेम नगर आश्रम भंडारा खाने क्योंकि यहाँ चल रहा है ना भंडारा। कब तक चलेगा? 19 तक। तो अभी चलते हैं। ये लो, मजे लो, आप कहाँ बढ़ गए। तो ये चल रहा भंडारा, अभी हम भी बैठते हैं, खाते हैं। पहले कहाँ बैठे हैं? उधर ही बैठ जाए, यहाँ ये कैसा है, सही है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं इसके प्रेमनगर आश्रम के। यहाँ पे भंडारा और गौशाला एवं मंदिर सेवा, यहाँ आप दान वगैरह कर सकते हैं प्रेमनगर आश्रम में। भागवत हो रही है आगे, ये मेन ऑफिस है यहाँ का श्री प्रेमनगर आश्रम। यार बहुत बढ़िया है, मैं पहली बार आए हैं इधर, देखो आप। ये यहाँ का गोवर्धन हॉल है, अंदर इसमें कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, प्रोग्राम्स। बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है इसे अंदर। आपको आवाज़ सुनाई देने लगी होगी इसकी, भागवत की मंत्रोच्चारण चल रहा है, पता नहीं किसका ये। अच्छा, महायज्ञ हो रहा, अजीत भाई ने बताया। जैसे ये अंदर टेंट लगा रखा, इसी में चलती है क्या भागवत? अच्छा, ये चल रहा मंत्रोच्चारण, और इधर इसमें गोवर्धन हॉल में चलती है भागवत। हम भी बैठते हैं चल के। ये देखो कितना बड़ा हॉल है इधर, ये हॉल है श्री प्रेमनगर आश्रम। क्या करना है अंदर से?
गोवर्धन हॉल, आप देखो तो कितना मस्त लग रहा। हर जगह ये होता है क्या, क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, सारे मंत्रोच्चारण करते हैं एक साथ? ओहो, इतना बड़ा हॉल तो मैंने पहली बार देखा। इधर नहीं, उधर वालों में लिख रखा है। अच्छा खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे ये भी लिख रहा था कि इस पुराण में कितने श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में कितने हैं? 18,000? 9,000 मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। ऐसे हर एक पुराण के यहाँ पे लिख रखा है। और ये सारे चैम्बर बने हैं अलग अलग पुराणों के लिए। तो इधर यहाँ पे लोग बैठते हैं, भागवत सुनते हैं। शाम को होती है भागवत, अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस हम देखने आए थे। मैं तो पहली बार आया इतनी अच्छी जगह पे। ऊपर देखो आप, लाइट्स वगैरह अच्छे से लगा रखी, ये चेयर्स भी पड़ी हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर। तो अभी मैंने भंडारा भी खाया और प्रेमनगर आश्रम भी घूमा, तो अभी जाके मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 2। तो ऑटो पे बैठ के चलते हैं IMC। तो अभी हमारा टाइम हो गया दूध लेने जाने का, तो अभी दूध लेके आते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ दूध लेने, तो अभी ले लिया है दूध, अभी चलते हैं। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. तो अभी हम आ चुके हैं दूध लेके, तो अभी इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। बाय।